अभी अपन लोग है बोरीवली स्टेशन में और हमें जाना है ईस्ट में। तो स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने हमें मिलता है बस और ऑटो। तो पैदल भी जा सकते हैं अपन नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि आज अपन जा रहे संजय गांधी नेशनल पार्क, और अभी हम चल के ही आए थे, नज़दीक में था। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं गेट है, मेन एंट्री गेट। तो नज़दीक से देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे सब रेट दिया है कि कौन सी चीज़ के लिए कितना लगेगा, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। ये काउंटर है जहाँ से अपन टिकट ले सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं 85 रुपीज पर पर्सन रुक जाएगा। तो देखा यार दोस्तों, हमने टिकट ले लिया और पर पर्सन 85 है, तो हम लोग तीन जन आए तो 255 टिकट हो गए। तो ऐसा टिकट रहता है दोस्तों। यहाँ पे ना पूरा मैप दिया गया है कि कहाँ पे क्या है वगैरह, तो पॉज करके आप देख सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज अपन आए नेशनल पार्क में और मेरे साथ में मेरे दो फ्रेंड हैं, विवेक और विकास। तो आज अपन पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपका सवाल रहेगा कमेंट करते जाना, बाकी आगे चलते चलते आपको बताते जाएंगे कि क्या है क्या नहीं यहाँ पे। चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ना साइकिल भी रेंट पे मिल जाता है 80 रुपीज पर टूर। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना ये कनेरी करके केव से, जो कि 6 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे ना छोटा सा गार्डन जैसा भी बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे ना बोटिंग होती है, लेकिन ये लेक पूरा अभी सूख गया है, एकदम एम्प्टी हो गया है, तो पानी नहीं है। तो बस यहाँ से व्यू देखो मस्त आ रहा है, खाली ना यहाँ से व्यू मस्त आ रहा है, लेकिन अभी इधर पानी नहीं है तो देखो ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर पानी रहता यहाँ पे भरा हुआ तो और भी अच्छा व्यू आ जाता था। तो अभी अपन इधर से आए ऐसे, और ये साइड में है ये वाला व्यू। तो यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है सब, ऊपर से वो दिखता है क्या बोलते हैं, ऊपर से ही दिखेगा ना। चलो ऊपर ही चलते फिर। तो दोस्तों यहाँ पे ये ब्रिज है जहाँ पे बोटिंग पर, आगे गार्डन रहेगा शायद, तो उधर बाद में चलते हैं अपन। पे कृष्णगिरी स्टेशन है जहाँ पे वो मिनी ट्रेन चलती है, जो कि अभी बंद है। तो मस्त ट्रैक बिछा हुआ है यहाँ पे, अपन मस्त फोटो खींचेंगे, और यहाँ से ट्रेन आगे जाता था। तो यार चलते चलते हम लोग आ गए थे पटरी से। तो यहाँ पे देखते तो क्या भाई साहब, इतने बड़े बड़े हिरन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं वो पेड़ के पीछे, और ये छोटा सा इधर आगे भी आ रहा है। तो सामने वैसे नेट है तो डरने की कोई बात नहीं, और वैसे भी शेर तो है नहीं सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, और एकदम हरा भरा सीन है यहाँ का, मस्त पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा है। तो यार इनको एक साथ चलते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पूरी एक ही फैमिली रहेगी यहाँ पे, जो बढ़ती गई है। सो देखो सब एक साथ यहाँ पे घूम रहे हैं मस्त। तो देखो यार दोस्तों, यहाँ से अपन को ना नज़दीक से बहुत ही अच्छा व्यू गया। तो कितने बड़े बड़े हिरन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्योंकि ये नेट है तो ऐसा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन देखो यार कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ये देखो। देख रहे हो पैसा वसूल हो गया अभी। बेबी तुझे पाप लगेगा। तो यार देखो दोस्तों, यहाँ पे ना पिकॉक है बड़े बड़े वो, लेकिन वो भी उस नेट के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हैं पटरी के बीच में ये ट्री गिर गया, इसकी की वजह से आज ट्रेन सब कैंसिल है। थोड़ा आगे चल देना तो यहाँ पे ये बारहसिंगा करके जो हिरन रहता है वो है यहाँ पे, और ये भी ना बहुत बड़े बड़े, जैसे अपन ने बायकला में देखा था ना उससे तो बड़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे, समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि मिट्टी का कलर और जो पेड़ गिरे वो भी सेम लग रहे एकदम। तो यहाँ पे देखो, तो चलो देखते हैं कि सामने कितने सारे हरण हैं। कौन कमेंट मार के सही बता सकता है कि ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितने सारे, काउंट करके ज़रूर कमेंट मारना। दोस्तों अपन चलते चलते ऐसे आए थे पटरी से, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बारहसिंगा हिरन कितना बड़ा नज़दीक बैठे हमारे सामने। अच्छा हिरन ही देखने को मिल गया सामने, अगर टाइगर वगैरह कुछ रहता तो फिर तो हम लोग भाग जाते थे। तो यार देखो दोस्तों, कृष्णगिरी स्टेशन से पैदल निकले थे, अभी ये तीन मूर्ति स्टेशन पर आ गए। यार देखो दोस्तों ना, बस लेके हम लोग आ गए कनेरी के, और बस का जो टिकट रहता है वो है 13 रुपीज। तो यहाँ पे आके आप नाश्ता भी कर सकते हैं, मस्त प्रोटीन वाला नाश्ता एकदम, नाश्ता किया अभी चढ़ेंगे ऊपर के लिए। सो यहाँ का व्यू देता हूँ आपको मैं, तो
मस्त एसी बस रहता है। तो दोस्तों यहाँ से क्योंकि ऊपर चढ़ने का ये जो स्टेयर्स है यहाँ पे बने हुए मस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेरी केव। नहीं देने का फाइन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ना ऊपर केव्स के लिए चढ़ने के जैसा स्टेयर बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंकी भी बैठा है। लेकिन यहाँ पे ना किसी भी प्राणी को कुछ भी देना फाइन है, तो खाली अपना काम करो, घूमने घूमो। चल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का टिकट कितने के उसके लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे ना 25 का टिकट लगता है ये। तीन टिकटें निकाली और हमने तीन टिकटें निकाली, और यहाँ से है एंट्री। तो यहाँ पे ना ये लेने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे ना पूरा केव का मैप दिया गया है। ये केव्स तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिख रही है यहाँ पे। तो अंदर जाएंगे, लेकिन बाहर का व्यू देखो एक बार। तो यहाँ पे ना ये स्टेयर बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो और ये अपना फर्स्ट लेनी है, फर्स्ट केव है जहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं, और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दिया था। तो यहाँ पे ना सब फोटो वीटो खिंचा रहे। तो यार देखो दोस्तों यहाँ पे ना बड़ा, कितना बड़ा केव है, और ये कितना स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके नीचे कुछ भी कॉलम वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी कितना अच्छे से लग रहा है। तो वहाँ पे ना कुछ है, उधर देखते हैं अपन जाके आगे। लेकिन बाहर का व्यू देखो सबसे पहले, और कितनी सारी पब्लिक आज यहाँ पे है, संडे भी है। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है एकदम, नज़दीक से थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना केव्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या मस्त बना हुआ है पत्थर के ऊपर। नेक्स्ट लेवल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर और बीच में यहाँ पे मतलब ऐसा, मतलब डबल फ्लोर का ये केव है। तो मतलब कैसे नेक्स्ट लेवल तक का काम किया गया रहेगा वो टाइम पे सोच भी नहीं सकते अपन। तो दोस्तों ये केव नंबर 3 है, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए, और ये अपने दो दोस्त इधर घूम रहे हैं, सब फोटो वोटो निकाल रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे ना एक कमरे बने हुए एकदम, जहाँ पे डोर वगैरह लगा के रखे। तो अभी अपन अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे कितना बड़ा बुद्ध का मूर्ति बनाया हुआ है, और स्ट्रक्चर देखो कि ना यहाँ पे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी अपन अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, यार यहाँ पे ना दोस्तों आवाज बड़ी गूंज रही है ऐसा यार। लिखावट भी है, लेकिन ये क्या लिखावट है हमें तो समझ में नहीं आता, ऐसा यहाँ पे दोनों तरफ में लिखा हुआ है। तो यार दोस्तों अभी ना अपन केव नंबर 4 में जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये ऐसे स्टेयर बने हुए हैं। तो यार देख सकते हैं अंदर की तरफ तो बहुत ही मस्त स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और जिधर भी ये बने हुए ना आवाज़ तो बहुत ही गूंज रही है। जैसे अगर मैं अभी बोलता हूँ आई एम एपी राइडर्स, मेरे चैनल का नाम, तो ऐसे ही सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और फॉलो भी करा करो इंस्टा पे। वाह वाह क्या आवाज़ है, बड़ी गूंज रही है। और स्ट्रक्चर तो देखो क्या पत्थरों पे मतलब करके बनाया रहेगा ना वो टाइम पे, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेट्स गो बेबी।
यस आई एम हियर। तो यार दोस्तों अभी अपन ना ऊपर के साइड जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत है, मैंने तो खासकर बहुत मेहनत की है इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए वीडियो को ना मैं सपोर्ट देना। अच्छा भारी आएगा ना, तो देखो मतलब वहाँ से ना स्टेयर है लेकिन अपन लोग तो इधर से आगे ये साइड से, तो अगर आप आना चाहते तो वहाँ से आराम से आ सकते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत ही मस्त सीन है ऊपर, ऐसा ना यहाँ पे दरवाजा लगा तो दिया है लेकिन यहाँ से देख रहे और व्यू देखो यहाँ से क्या है यार। देखो दोस्तों यहाँ पे तो और भी अंदर ऐसा लग रहा है मेरे को कमरे बने हुए, ये देखो विंडो भी है यहाँ पे तो सही है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है एकदम मस्त, और यहाँ पे आगे के साइड भी देख सकते हो अंदर भी बना हुआ है। तो यार देखो दोस्तों ये केव इतना बड़ा है ना कि पूरा दिन जाएगा लेकिन एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आए थे नेशनल पार्क घूमने और आ गए कनेरी केव में, और इधर ये इतना लंबा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब आए तो एक्सप्लोर तो करके ही जाएंगे, तो सुबह जल्दी आ जाना ताकि पूरा दिन जाता है इधर आते समय, इतना ऊंचा केव है और इतने सारे ये, रात को मत आना वरना शेर का शिकार हो जाओगे। कॉर्नर पर था ये लगता है मेरे को 75 नंबर लिखा है यहाँ पे केव, तो अंदर जाके देखते। हो बाप रे क्या आवाज गूंज रही है, आई एम एपी राइडर सब्सक्राइब। ये यहाँ पे केव ऐसे मतलब ना बहुत सारे यहाँ पे छोटे मोटे, और अभी अपन ऊपर जाते हैं टॉप पे और व्यू देखते हैं क्या आता है। बाकी पब्लिक देखो संडे के दिन कितना आ रही है यहाँ पे, तो यार थोड़ा ऊपर आ गया अपन, तो यहाँ पे 79 केव्स। एक मिनट रुकना मैं जरा अंदर जाता हूँ देखता हूँ क्या व्यू है इधर का। ओ भाई ये तो बहुत ही बड़ा रूम है यहाँ पे, और ये ऐसे कमरे बने भैंड, कुछ रह गया ना इधर तो लेने के देने हो जाएंगे भाई साहब। ना ऊपर आ गए, मेरे को लगा उधर का लास्ट रहेगा लेकिन इधर देखो यहाँ पे भी है यार, कितने केव्स बने हुए यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पब्लिक देखो ऊपर कितनी है, और बारिश आ जाती है ना तो बड़े मजे आएंगे। यहाँ से व्यू देखो क्या आ रहा है मस्त पूरा, वो यहाँ पे देख सकते हैं ना वो पगोड़ा है ना अपना, ये इधर दिख रहा है इधर, और ये साइड में कुछ नहीं पहाड़ है लेकिन व्यू मस्त है यार। देखो दोस्तों इतने ऊंचाई पे है ना अभी अपन लोग, क्या मस्त हवा चल रही है, बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है इतनी बड़ी केव से। तो नेशनल पार्क घूमने आए थे और वो जू बाजू में रह गया, इधर ही घूम रहे कब से, तो ये दोनों अभी इधर बैठ गए रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा, अपन इधर आगे जाके आते हैं। तो ये साइड हाँ हैंडल लेने के देने हो जाएंगे फिर तो, एक तो वहाँ पे वार्निंग भी लिखा था कि लेपर्ड वगैरह आ सकते कितने सारे केव से यहाँ पे, और अगर आते हो तो ज़रा सावधानी से अंदर जाना, पता चला कुछ निकल गया ना। तो यहाँ पे ना बहुत सारे केव है, तो यहाँ से व्यू देता हूँ, अगर आपको जाने का रहेगा तो ऊपर जा सकते हैं, बहुत ही लंबा है, और यहाँ पे भी है। तो हम लोग अभी ना इधर से नीचे जा रहे हैं, बाकी उधर भी बहुत सारे केव, एक दिन में ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे तो, 2-4 दिन लगेगा। हाँ
तो देखिए यार दोस्तों, केव नाम ने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा रह गया क्योंकि वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि एक दिन में हो नहीं पाएगा। और वैसे भी अपना पार्क थोड़ा बाकी है तो उधर जाते हैं, अभी वापस से बस ले लेते हैं। तो अभी अपन लोग ना दोस्तों बस लेकर एकदम एंट्री गेट के इधर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके सोचेंगे कि अबे क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों बस से हम लोग उतर के यहाँ पे बीच में SNGP यहाँ पे लिखा है, टाइगर का सिंबल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ना हमने जितना एक्सप्लोर किया वो जो हरन वगैरह था वो, उसके बाद अपन गए थे केव तो वहाँ पे बहुत टाइम गया। फिर उसके बाद ना यहाँ पे जो टाइगर सफारी है उधर जाने से कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि एक या दो टाइगर है वो भी दिखाई देंगे, इसकी गारंटी नहीं। तो खाली के लिए 117 या 135 कुछ टिकट है वो बेच जाएगा, उससे अच्छा अपन लोग इधर से अभी स्किप मारते और आगे बढ़ते। तो देखो यार अपन लोग ना वहाँ से निकल गए, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था तो वीडियो का एंड करना तो भूल ही गया था, तो वीडियो को करते यही पे एंड। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ऑलवेज हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सेफ राइड।